महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेक्स। एक हिंदू लड़के के गले में पट्टा डालकर उसे घुटने के बल सड़क पर चलने को मजबूर किया, यानी कि जानवरों के जैसा उसके साथ सलूक किया गया। मगर मध्य प्रदेश सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है और आरोपियों के घरों का जो अवैध निर्माण था अब उसे तोड़ा जा रहा है। दरअसल भोपाल के एक हिंदू लड़के के साथ जो है यहाँ पर बदसलूकी की गई, उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालकर उसे भौंकने के लिए मजबूर किया गया। इस लड़के की पिटाई भी इन लोगों ने की और पिटाई से सहमा हुआ ये लड़का उन लड़कों से माफ़ी भी मांगता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि ये लड़का खुद कह रहा है कि मैं मियाँ भाई बन जाऊँगा मगर छोड़ दो। वीडियो 9 जून की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और इन पर अब NSA भी लगा दिया गया है। मगर वहीं महानगर पालिका ने इन आरोपियों के घरों की पहचान की और अवैध निर्माणों को जो है तोड़ने में अब जुट गई है। देखिए, एक महीने पहले की घटना है जिसका वीडियो कल रात से सोशल मीडिया में वायरल होने लगे और आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों को उसके संज्ञान में आ गया। माननीय गृहमंत्री जी ने भी उसको संज्ञान में लिया था। उसके बाद हमने FIR दर्ज किया है जिसमें अपहरण, आड़ीबाजी और धर्मांतरण फोर्स्ड जो कन्वर्शन की बात आई थी तो उसके आधार पर हमने FIR रजिस्टर किया है। ये 6 आरोपी है जिनके फरियादी ने नाम लिया है, नामजद रिपोर्ट है, एक दूसरे को जानते हैं लोग। और जो 6 में 3 आदतन अपराधी है जिनकी आपराधिक रिकॉर्ड है, जो लिस्टेड गुंडा भी है थाने का, इन तीनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो वीडियो में जो आदमी दिख रहा है, जो आरोपी दिख रहा है, उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।